वेलकम टू सेंट जोसेफ ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड थर्ड पार्ट फिफ्थ। देखें बेटा, आपने पार्ट जो है फोर्थ में देखा है डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर। पार्ट फिफ्थ में क्वेश्चन कह रहा है टोयर राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। जो ये डिजिट दिए हुए हैं इनके जो है जो अंडरलाइन डिजिट हैं इनके जो है प्लस वैल्यू निकालने हैं बेटा, स्थानीय मान निकालने हैं। तो आपको क्या होगा, देखो अंडरलाइन हो गया है ना, तो इन संख्याओं का आपको क्या निकालना है, प्लस वैल्यू निकालना है। तो हम चलते हैं, देखते हैं हम प्लस वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम पहले रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे, 1, 10 और 100। तो यहाँ जो 6 जो है अंडरलाइन जो डिजिट है ये किस के नीचे बेटा, 10 के नीचे है। तो हम 6 का प्लस वैल्यू निकालेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, 10 के नीचे है। तो 6 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, 10 से होगा, क्योंकि 10 की पोजीशन पे है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। 10 सिक्स जा 60 आंसर। ओके बेटा, अब चलेंगे देखेंगे यहाँ भी ऐसे करेंगे 1, 10, 100। अब देखें 8 के नीचे अंडरलाइन है बेटा, तो 8 का पोजीशन कहाँ पर है, 1 के नीचे है ना, वंस के नीचे है। तो हम 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जान गए बेटा ना, 1 से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, 1 से करेंगे, जान गए होगे तुम है ना। तो 1 से हम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 8 वन जा 8 आएगा। तो 8 की प्लस वैल्यू क्या होगी बेटा, 8 होगी। अब तुम्हारे समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है, देखे बेटा कैसे तुम लोग समझ रहे हो। अब आप ऐसे करके सभी संख्याओं का आप जो है प्लस वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे अब इसको देखते हैं हम, 427 लिखा है, तो ऐसे इसको लिखेंगे 1 है ना बेटा, 10 और 100। ओके, तो आप देखेंगे 4 किसके नीचे है, 100 है ना, 100 के नीचे 4 है। तो 4 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बेटा, किससे करेंगे बताओ बेटा, 100 से करेंगे। ओके, तो अब हम 100 करेंगे तो 4 0 0 4 0 0 0, 4 1 4। तो 4 की प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 400 हो जाएगी। अब तुम्हारे समझ में आ रहा है। ओके बेटा, अब चलते हैं इस ऐसे क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं, 1, 10, 100। अब हमको किसका प्लस वैल्यू निकालना है बेटा, कौन किसके नीचे अंडरलाइन है, 5 के नीचे है। 5 किसके नीचे है, वंस के नीचे है। तो 5 का प्लस वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 5 का प्लस वैल्यू क्या होगा, तो देखेंगे 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्योंकि 1 के नीचे है। तो क्या हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। ओके बेटा, अब ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं, 836 है, 953 है। देखिए 3 के नीचे अंडरलाइन है और यहाँ 9 के नीचे अंडरलाइन है, ये क्वेश्चन आप घर पे करेंगे। ओके, अब चलते हैं, राइट एनी वन थ्री डिजिट, राइट एनी वन थ्री डिजिट नंबर बाय यूजिंग फॉलोइंग डिजिट। कोई जो है एक आपको थ्री डिजिट नंबर लिखने हैं इन अंकों का प्रयोग करके, इन अंकों जो अंक लिखे हुए हैं इन अंकों का उपयोग करके एक संख्या जो है 3 अंकों की लिखनी है। कर लोगे बेटा ना, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी संख्या तुम लिख सकते हो। जैसे क्या लिखा है, 3 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है। तो हम इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं बेटा, 231 लिख लेते हैं। ओके, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 1 कुछ भी लिख सकते हो, 231 लिख सकते हो, 132 लिख सकते हो है ना बेटा। उसके बाद में 132 लिख सकते हो, बहुत सारी संख्या कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। केवल आपको 3 जो है 3 अंकों की संख्या लिखना है बेटा, है ना, इसी संख्याओं अंकों को लेकर के। अच्छा, 538 है बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं 538। ओके बेटा, ये 423 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 243 लिख सकते हैं। देख सकते बेटा नहीं, क्योंकि 2 है, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, इन्हीं अंकों को लेकर के आपको संख्या बनाना है। ऐसे बेटा देखेंगे इसको 297 है, तो इसको हम 792 लिख सकते हैं। ओके बेटा, और भी लिख सकते हैं आप जो है, 297 लिख सकते हैं, 972 लिख सकते हैं। ओके बेटा, कोई संख्या है आप लिख सकते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन 14, राइट द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर बाय यूजिंग फॉलोइंग डिजिट। इन तीनों अंकों जो है अंकों को लेकर के आपको छोटी संख्या बनाना है, 3 अंकों की छोटी संख्या इन अंकों को लेकर के बनाना है। तो छोटी संख्या लेने के लिए बेटा क्या होगा, तो छोटी संख्या लेने के लिए सबसे पहले इसमें जो है 7 दिया है, 9 दिया, 5, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, तभी छोटी संख्या बनेगी। तो 5 ले लेंगे, 5 के बाद में फिर क्या लेंगे बेटा, 7 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 9 लेंगे, 5 7 9। अब देखिए 579 हो गया, छोटी संख्या बन गई है।
है ना, पहले सबसे जो है छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी सबसे लास्ट में जाता है। फिर ऐसे इसमें देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, 8 3 2 लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, फिर क्या है, 3 है, फिर 8 हो गया, 238 बन गया बेटा। इसमें क्या करेंगे, 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 6 लेंगे, तो क्या बन गया 126, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर बता रहा है बेटा, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बताइए। इसमें क्या करेंगे बेटा, 678 लिखा है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 6786 अंदर 78 हो जाएगा। ओके बेटा, तो इन सब जो है क्वेश्चनों को आप लोगों ने देखा कैसे किया गया है ना, बहुत आसान है। तो घर पे बैठ करके लॉकडाउन के समय में आप अच्छे ढंग से इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहें और बार बार समझते रहें जैसे, और अपनी कॉपी को कंप्लीट करते रहें। ओके बेटा, तब तक के लिए बेटा, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा गुड इवनिंग।